वही सूरतें याद है। तो जो पहले पढ़ी थी इन्ना अता है मिसाल के तौर पे, दूसरे पे आपने कुल अल्लाहु अहद पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह के बाद, उसके बाद आपके दो रकात मुकम्मल हो चुकी है, फिर दो रकात के लिए आप उठेंगे ना, तो फिर चाहे तो अल्हम्दुलिल्लाह के बाद इन्ना अता लगा सकते हैं, फिर चाहे तो कुल अल्लाहु अहद लगा सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए बता दें बहुत लोग कंफ्यूजन के, चारों में सोचते अलग अलग होना चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि नमाज सिर्फ दो रकात का शफा होता है, एक जोड़ा होता है, ठीक है। अगर आपको याद हो पूरा कुरान पढ़े अच्छी बात है ना, चलेंगे हो गया। अब सीधा रुकू करेंगे, रुकू करते हुए अल्लाहु अकबर कहेंगे, पढ़िए अल्लाहु अकबर जाइए जी, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। ये पीठ ऐसा ही होना चाहिए कि इस पर अगर किसी चीज को रखा जाए तो गिरे ना, ये सुन्नती तरीका बहुत अच्छा है, ये निगाह इतनी है पर बहुत अच्छा है। उसके बाद हम सभी अल्लाह हमने जब इमाम कहता तो मुक्तदी कहता रब्बना लकल हम्द, लेकिन अकेले है तो दोनों कहेगा, ठीक। इसका माना और मफ़हूम मैं बाद में बताऊंगा, इसे बात प्रैक्टिकल करा रहा हूँ। सभी अल्लाह लिमन हमिदा खड़े हुए हाथ एकदम जैसे सही माशाल्लाह, तो सीखे सिखाए लग रहे हैं। उसके बाद रब्बना लकल हम्द भी कह लेंगे, ठीक। अब सीधा सजदे में जाएंगे तो पहले घुटना रखेंगे, जाएंगे पहले घुटना नहीं फिर खड़े हुए, हाथ भी रखे नहीं घुटने पे, सीधे जाइए घुटना जमीन पे धीरे धीरे रखेंगे। आप जाइए ना घुटना फिर हाथ फिर नाक फिर माथा, घुटना हाथ फिर नाक फिर माथा। अब हम पढ़ेंगे इसमें क्या, सुभान रब्बियल आला, ये एक रकात बाद इनकी नमाज होने वाली है, ठीक है ना। अब हम अल्लाह ऊपर कह के बैठ जाएंगे, तो पहले क्या उठेगा माथा उठेगा, माथा उठाएंगे माथा पहले, फिर नाक फिर हाथ, हो गया माशाल्लाह बहुत अच्छा है, जबरदस्त पढ़ रही है। इनको समझाने की जरूरत नहीं है कि जहाँ हाथ रखे यही बनाना चाहिए, यहाँ पर जो हाथ रखता है रिवायतों में आता है उसकी उंगलियाँ काट ली जाएंगी, ठीक है, उससे बचने की जरूरत है। अब एक सजदा और करेंगे, फिर वही रूल अदा करेंगे, पहले नाक जाएंगे हाथ नाक माथा, फिर उठते हुए माथा नाक हाथ उड़ जाएगी पूरा। अब इसी तरह पूरा कर लीजिए, जैसे करें समझ लीजिए दूसरे ऊपर चलिए जाइए, एक फिर जाइए जो हो गई पूरी नमाज, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, जबरदस्त, सिखाने की जरूरत नहीं। अब थोड़ा सा इधर घूम जाएगी, इस एंगल पे आ जाएगी, सभी उधर घूम जाएगी, अब बैठ के बैठने का तरीका, तीन उंगलियों का लगना वाजिब है, बैठे इधर चले इधर मुंह कर लीजिए, तीन उंगलियों का लगना, दवा डाल यार, तीन उंगलियों का लगना वाजिब है कम से कम,